Vicenza to Scarpia to look, I loved it. Salman Sagar ka dance, action, romance, everything is there. वो भी अच्छा सॉन्ग लगा मुझे, काफ़ी अच्छा लगा वो हरीन जरीन का जो सॉन्ग है. मुझे तो सोनाक्षी और सलमान सर की जो अच्छी है. आउट ऑफ 5 कितना रेटिंग आप देना चाहेंगे? 4.5. कोई फेवरेट सॉन्ग अगर आप अपने बनाना होगा तो क्या वो वाला जरीन बना दीजिए. दो तीन लाइन लाइन याद नहीं है मुझे. ओके, तो आपने दबंग 3 अभी देखी, कैसी लगी आपको? एकदम धमाल, मसाला, एंटरटेनर, सुपर मूवी थी. ओके, एंट्री की बात करें तो सलमान खान अपने एंट्री के लिए जाना चाहते हैं, तो कैसी लगी आपको? जी, एंट्री के लिए जाना चाहते हैं और एंट्री इसमें एकदम सुपर है और सीटियां बजने वाली है, लिटरली सीटियां बजेगी और बहुत मजा आएगा लोग को एंट्री देख के. ओके, इसमें एक और एक नया कैरेक्टर भी है जो विलन का रोल कर रहे हैं, सुदीप, उसका रोल कैसा लगा आपको? जी, सुदीप जैसे कि कनाडा का सुपरस्टार है और दबंग क्रिकेट में बोलना चाहूँगा ये यहाँ पे बॉलीवुड में रहने के लिए आया है और वन ऑफ द बेस्ट विलन है बॉलीवुड का और दबंग फ्रेंचाइजी का भी बेस्ट विलन. ओके, अब कंपेयर करें फर्स्ट और सेकंड में तो बेटर लगी या ये एवरेज लगी थर्ड पार्ट? फर्स्ट सेकंड से बेटर थी और थर्ड दोनों से बेटर थी क्योंकि मूवी में सब कुछ था. मतलब मूवी में ऐसा कुछ खाली मसाला नहीं थी, मूवी में इमोशनल सीन्स थे, मूवी में स्लो मोशन था, कुछ नया चीज़ था, वो USP मूवी का मतलब प्लस पॉइंट है और मूवी में कॉमेडी भी डाली गई है बीच बीच में, एक्शन सीक्वेंस बहुत है और क्लाइमेक्स सुपर है. ओके, डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कैसी लगी प्रभुदेवा? नो वन इज बेटर इन डायरेक्टिंग मास एंटरटेनर देन प्रभुदेवा, सो डायरेक्शन प्रभुदेवा का सुपर. 5 आउट ऑफ कितना स्टार देना चाहिए? 4.5. थैंक यू. ओके सर, तो आपने अभी जस्ट दबंग 3 देखी तो कैसी लगी आपको? बहुत ही धमाकेदार मूवी है लेकिन स्टोरी लाइन बहुत प्रेडिक्टेबल है और एडिटिंग पे और ध्यान दे सकते थे क्योंकि 2 hours 45 minutes की फिल्म है. इट्स नॉट ए हिस्टोरिकल मूवी तो लोगों में इतनी पेशेंस आई थिंक थोड़ा चॉप कर सकते थे. जो इसके एडिटर है रितेश सोनी, वो थोड़ा मूवी को चॉप कर सकते थे हाफ एन आवर तक. 2 hours 15 minutes तक ठीक थी. बाकी स्टोरी लाइन बहुत ही प्रेडिक्टेबल है पर कहीं भी आप बोर नहीं होंगे. मतलब कॉमिक सीन्स है, एक्शन सीन्स बहुत ही वर्थ वॉचिंग है. सलमान खान और सुदीप जो एंटागोनिस्ट हैं, सुदीप हैज़ वेरी गुड स्क्रीन प्रेजेंस. तो ओवरऑल आई थिंक वन टाइम वॉच डेफिनेटली फॉर सलमान खान फैंस और कहीं आप ज़्यादा बोर नहीं होंगे. बट आपको थोड़ी ये होगी स्टोरी लाइन, आजकल इतनी कंटेंट की बात हो रही है तो स्टोरी लाइन अगर और अच्छी होती तो मज़ा आ जाता. हालांकि प्रभुदेवा का डायरेक्शन अच्छा है बट उन्होंने थोड़ा साउथ इंडियन तड़का ज़्यादा लगा दिया. हिंदी ऑडियंस के लिए बॉलीवुड के लिए मूवी है सो उस वजह से. बट फिर भी लोगों को पसंद आएगी, मास एंटरटेनर है क्योंकि एक्शन सीन्स बहुत अच्छे हैं, कॉमेडी सीन्स हैं. सो इवन तो स्टोरी लाइन इज प्रेडिक्टेबल बट भाई की मूवीज तो चलती हैं. ओके, ये मूवी में एक और एक नया कैरेक्टर जो विलन का रोल कर रहे हैं सुदीप, उसका रोल कैसा लगा आपको? कि आई थिंक सेकेंड हाफ में वो, फर्स्ट हाफ में वो थोड़ा आते हैं, सेकेंड हाफ में जो उनके एक्शन सीन से सलमान खान एंड सलमान खान ही टेक्स ऑफ हिज शर्ट, जो अपना फिजिक दिखाते हैं तो लोगों को उसमें लगता है कि पूरा पैसा वसूल हो गया. बट आई थिंक सुदीप, आई थिंक वो कुछ सीन्स में सलमान खान को भी ओवर शेडो कर देते हैं, जो उनका एक ऑरा है, जो एक स्वैग है, एक स्टाइल है. हालांकि सलमान खान का भी अपना स्वैग और स्टाइल है और जिस तरह से वो व्हेन ही अपीयर्स ऑन स्क्रीन सलमान खान को तो सब करेंगे पर सुदीप का भी एक अलग ही ऑरा है तो वो देख के लोगों को बहुत मजा आएगा. ओके, एज कंपेयर टू फर्स्ट और सेकंड, थर्ड पार्ट वाज बेटर और एवरेज? फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट पार्ट वाज द बेस्ट, सेकंड पार्ट वाज आल्सो गुड. दिस आई वुड से इट्स नॉट एवरेज, आई कैन से इट्स एन अबव एवरेज मूवी क्योंकि कहीं भी आप बोर नहीं होंगे तो आपको मजा आएगा शुरू से लेकर. हालांकि सिर्फ एडिटिंग के ऊपर अगर ध्यान दिया जाता कि बीच में थोड़ा आपको लगे कि ड्रैग हो गया. बहुत सारे साजिद वाजिद का म्यूजिक अच्छा है पर बहुत सारे सॉन्ग्स डाले हुए हैं. ही इज़ अ कोरियोग्राफर तो आई थिंक डायरेक्शन में आई थिंक ही कैन इम्प्रोवाइज. सो डू यू थिंक ये 200 crores में शामिल हो पाएगी? वो तो होगी भाई की मूवीज, अभी हॉलीडे का सीजन स्टार्ट हो रहा है तो आई थिंक उनका हमेशा वो राइट टाइम पे मूवी रिलीज करते हैं. तो अभी बच्चों की छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाएंगी तो डेफिनेटली इट्स 200-300 crore का बिजनेस आराम से कर लेगी. जब रेस 3 जैसी मूवी जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई, ये तो फिर दबंग है तो वो नॉस्टैल्जिया आ जाएगा पार्ट 1 और पार्ट 2 का. प्लस सलमान खान है, प्रभुदेवा हमें पता है कितने ग्रेट कोरियोग्राफर हैं तो सब मिला के एक्शन मूवी है तो एक्शन फिल्म लवर्स, रोमांटिक मूवी है, रोमांस तो इफ़ यू समिट टुगेदर इट्स अ मसाला मूवी, इट्स अ मास एंटरटेनर तो मास एंटरटेनर चलेगी.
ओके 5 आउट ऑफ कितना स्टार देना चाहिए? आई विल स्टिल गिव 3 स्टार्स. थैंक यू. ओके तो दबंग 3 आपने देखी अभी, तो कैसी लगी आपको? सर दबंग 3 अच्छी लगी, एक्शन मूवी एंजॉय किया हमने. एक्शन मूवी काफ़ी बनती है बट एक हर एक का अलग स्वेग होता है, तो सलमान सर का अलग स्वेग है एंटरटेनमेंट करवाना. अब सब सेम करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा. सलमान सर की ऐसी ऐसी हरकत है, ऐसे ऐसा, तो हम इंजॉय करते दबंग 3 में. हम सीरियसली आ गए, वो खाली अजय देवगन सर कर सकते सिंगम जो हम आ रहे. चुलबुल पांडे का थोड़ा अलग होना चाहिए ना भाई, एक पुलिस वाले हर देश में ना. ओके सलमान की बात करें तो अपने स्वैग और एक एंट्री के लिए जाना जाता है, ये मूवी में कैसी लगी आपको एंट्री? एक था टाइगर में जो एंट्री थी, उसके बाद अभी ये जो जबरदस्त एंट्री है जो हम वेट कर देना यार फट से. टाइगर जिंदा में थी और हम ऐसा 2 मिनट में खोप हो गए, अरे सर की एंट्री क्यों हुई है भाई? इसमें कैसा थोड़ा कॉमेडी सीन चला, अभी थोड़ा सीरियस. अरे सर की एंट्री की जरूरत, धाड़ करके आवाज आता है वो टूटता है. सलमान सर की एंट्री, वो मज़ा आ गया. फिर हम लोग इंजॉय कर रहे हैं भाई, अभी सीट पे अच्छे से बैठे हो मजा करते हैं. सर की एंट्री हो गई ना, सबसे बेस्ट सीन इंटरवल के बाद बोलूँगा नहीं. ओके सॉन्ग की बात करें तो सॉन्ग आपका सबसे फेवरेट वाला कौन सा है? फेवरेट सॉन्ग तो यार मुन्नी बदनाम तो है अभी, वो यू कर के भाई नया स्टेप लाए, मजा आ गया. ओके डायरेक्शन कैसी लगी आपको प्रभु देवा की? प्रभु देवा यार खुद साउथ इंडियन है यार, एक्शन तो उनको डांस तो अच्छे करे. वांटेड भी बनी थी, अभी राधे भी बनाने वाले हैं, तो उसमें अलग ही रहेगा कुछ. तो दबंग 3 भी अच्छी है भाई, हमने फर्स्ट से लेके. ओके 5 आउट ऑफ कितना स्टार देना चाहिए? 5/5 फुल. थैंक यू. सलमान ने यूज किया है वो जैकेट है. क्या बोलना चाहते हैं? बहुत कम लाइट है यहाँ पर, लाइट मिल रही है आगे आइए जी. पूछिए नमस्कार. स्वागत तो करो हमारा. हमारा नाम चुलबुल पांडे है, लोग प्यार से रॉबिन हुड पांडे कहते हैं. स्वागत नहीं करोगे हमारा? स्वागत तो करो हमारा. एक होता है गुंडा और एक होता है पुलिस वाला गुंडा, और हम हैं पुलिस वाला गुंडा. आप हमारे घर आए, इस बात से हमको आपत्ति नहीं है. आपत्ति इस बात से है कि आप मेरे घर जब आए जब हम घर पर मौजूद नहीं थे. और ये चुलबुल पांडे का जबरदस्त चश्मा है, आप लोग पहनिए और अपने घर में चुलबुल पांडे वाला डांस कीजिए. मैं हूँ आपका दोस्त सागर सलमान पांडे. आप लोग मुझे देखते होंगे, जानते होंगे, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर और टिकटॉक पर बहुत फेमस हूँ. सबसे पहले बता दूं कि आज मैं दबंग 3 देख के आया हूँ. दबंग 3 बहुत जबरदस्त फिल्म है, इस साल की उसकी बहुत जबरदस्त ओपनिंग लगी है और फिल्म में एक जबरदस्त मसाला है. प्रभु देवा का ठुमका और सलमान सर का एक्शन दोनों मिला के आता है रोमांस और रोमांटिक जोश और सबसे ज़्यादा इमोशन. एक्शन एक्शन और इमोशन तीनों मिला के पिक्चर सुपर डुपर हिट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते. अब आप लोग पूछेंगे कि कितने प्रतिशत आप मार्क देंगे, तो मैं कहना चाहता हूँ कि सलमान सर के लिए कोई प्रतिशत नहीं है, 100% से ऊपर सलमान सर हैं और 1000 करोड़ से ऊपर पिक्चर जाएगी. आप लोग देखते रहिए, मिलते रहिए और मिलते रहेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक तो बनता है. हाँ आपको सब कुछ मुन्ना बदनाम हो गया. आप लोग आइए हमारे साथ, अगर जो दर्शक हैं हमारे साथ संजू बाबा हैं, बाबा आइए हमारे साथ. और भी हमारे काफ़ी लोग पिक्चर देखने के लिए आए हैं और मैं गाना तो अभी गा के आपको सुना सकता हूँ, क्योंकि चलिए थोड़ा जंगी दीजिए. वो गाना बहुत जबरदस्त हिट हुआ है, आप लोग देखने जाइए अपने नज़दीक सिनेमा हॉल में. और वो गाना है मुन्ना बदनाम हुआ, वो गाना मैं आपको पीछे आजा भाई, लग भी जाएगा. मुन्ना बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए, मुन्ना बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए. ये डांस करते रहिए, मस्त रहिए, सोच रहिए और पिक्चर देखते रहिए. थैंक यू सो मच. स्वागत तो करो हमारा. भाई तो मेरे फेवरेट है.
पार्ट मुझे हमेशा अच्छा ही लगा। जब वन पहली बार आया था पार्ट वन अच्छा और पार्ट टू भी और थ्री पार्ट मुझे ऐसा लगा फर्स्ट का जो थोड़ा सा ये जा रहा है बट गाने की वजह से दूसरी बात होगी महेश पांडे में अच्छा लगा बट उतना वन पार्ट स्टोरी लाइन तो सलमान भाई है नाम चलेगा तो भी चलता है भाई का हमेशा डाल रहा है कुछ चलता है थोड़ा ऊपर लेता हूँ। ओके तो पहले तो जानना चाहिए किस तरह स्वागत किया है छोटे पांडे ने सभी को थिएटर हॉल में। बहुत बढ़िया इस एंट्री वेयर एवर ही मेक्स एन एंट्री इन द सीन इज फैंटास्टिक एज यूजुअल वी सीन दैट ही मेक्स एन एंट्री इज अ वेरी ग्रैंडियर एक्चुअली बहुत बढ़िया एंटरटेनमेंट तो फैक्टर है ये सलमान एवरीबॉडी नोज हिज पंचेस वन लाइन पंचेस हिज एक्शन and his dancing is something to watch. He's done a very fair, good job. Very entertaining. So I think it's actually chemistry hai, but thoda sa role unko kam mila hai, toh I think that is just not true. So I think she would have got better role and a little longer. But thoda sa flashback mein ja ke. It's okay, the chemistry is work, but unfortunately she didn't have much time. The story is the first one. First half to be a bit slow and goes, but it's entertaining to go. मुन्ना बदनाम बहुत एक्स्ट्रा गैंडोवर उन्होंने बनाया है गैंडोवर तरीके से और वेरी कैची ट्यून वेरी गुड डांसिंग प्रभु देवा एंट्री इनटू द सॉन्ग इज फैंटास्टिक दिस इज ऑन दिस न्यू स्टेप इट्स देयर वेरी टेक्स ऑन दिस बेल्ट सो जस्ट टेक्स मी बाय बाय सरप्राइज एक्चुअली ओके आउट ऑफ 5 अगर दे दो आई गिव 4 स्वैग से स्वागत किया है एंट्री इज ऑसम व्हाट एन एक्शन सीन यार व्हाट एन एक्शन सीन वो देख के फुल चार्ज मॉर्निंग शो था ना फुल चार्ज हो गया सल्लू की एंट्री देखते बेस्ट डबल थ्री बेस्ट राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड आप बोर नहीं होते भले थोड़ी लंबी है एंड हो गया एंड वी वर लाइक थोड़ा और खींच लेता यार सलमान क्या मूवी है यार फ्रेश डायलॉग्स फ्रेश एक्शन एंड सल्लू का डांस मूव्स आई थिंक जुड़वा के बाद सल्लू ने अब डांस प्रभु देवा डायरेक्शन थी ना बॉस देना पड़ेगा ओके लाइक सोनाक्षी और सलमान की तो केमिस्ट्री हम पहले भी देख चुके हैं साई का ये डेब्यू है उनकी साथ केमिस्ट्री कितनी अच्छी आ रही है आई थिंक उनकी जो कैरेक्टर था ना तो छोटी गाँव वाली शी वाज स्वीट शी वाज ओके बट यू कैन कंपेयर नो सोनाक्षी एंड सल्लू इज लाइक फ्रॉम दबंग वाली दबंग वाली यू कैन कंपेयर बट ठीक थी फॉर अ फर्स्ट टाइम शी वाज नाइस फर्स्ट डेब्यू एंड द क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज इज हॉट इज सेक्सी कीचा बॉस साउथ का एक्शन शेट्टी का एक्शन दबंग थ्री के सामने कुछ नहीं रियली कुछ नहीं यू मस्ट सी दबंग थ्री आई एम गोइंग फॉर अनदर शो थैंक यू सल्लू वी लव यू
We love you. Thank you, ma'am. We always come for his first. Yeah, first day, first salute. First अगर आप ये शो देख रहे हैं, अगर आप ये न्यूज देख रहे हैं, हम आपकी हर मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते हैं. एक पिक्चर हमारे साथ तो बनती है बॉस. थैंक यू, थैंक यू, लव यू, सलू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर. बहुत ही बढ़िया लगा है सर, कितना अच्छा एक्टिंग किया है. ये तो एक्टर नहीं परफॉर्मर है सर, बढ़िया लगा. स्टोरी लाइन सेम ही, देखो वांटेड फिल्म के बाद से ये जो हमारी सलमान खान की जितनी फिल्म्स आ रही है ऐसे ही हो रही है. शुरुआत होता है, प्रॉब्लम दिखाते हैं, वो आके मारते पीटते हैं, फिर आके डांस करते हैं, फिर अपनी पत्नी के पास जाते हैं, फिर अपने भाई के पास जाते हैं, फिर प्लॉट होता है, फिर भाई को नीचा दिखाते हैं, फिर भाई प्लॉट में घूम के आता है, फिर वो खेल करता है. ये पूरी सलमान की सारी फिल्म अगर आप देखो ये ऐसी चल रही है. लेकिन इसमें किस तरह से, इट्स लाइक कुकिंग अ बिरयानी बट हाउ यू कुक इट. डायरेक्शन और जिस तरह से कैमरा एंगल से उसकी गई है, सिनेमेटोग्राफी हुई है, जो फाइट सीक्वेंसेस है. अब हर एक फिल्म में देखो एंड में सलमान की फिल्म जो होती है एंड में ही इज फाइटिंग विद बेयर शर्ट एंड इट्स अ रेड टोन. सो आई थिंक इट्स क्वाइट सेम इन स्टोरी लाइन. सो इट वाज समथिंग अनएक्सपेक्टेड. आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम कि वही पे लास्ट में टांग देंगे उसको. और फिल्म में वो बोलता भी है सलमान कि अरे क्या यार एंड में तुम मेरी बीवी को लेकर टांग देते हो हर वक्त, सारे विलन्स एक ही हो. इट वॉज क्वाइट एक्सपेक्टेड कि कैसा रहेगा सर. नया देखिए, जब चल रहा है तो चल रहा है. अभी अगर मैं टी शर्ट में अच्छा लगता हूँ, मैं शर्ट पहन के क्यों आऊँ, सीधी बात है. सो ही इज एबल टू गिव अस गुड सिनेमा, सी हाउ पीपल एक्साइटेड. और इसमें जो गाने के सीक्वेंसेस है, मैं तो खुद ना चुका था. आधे लोग सीटियाँ मार रहे हैं, कोई ऐसे सीटियों पर सीटियाँ मारे जा रहा है, मैं बंगाली साइड में किए जा रहा हूँ. छोटे स्मूथ, अभी हम बैठ के हम जज क्यों करें भाई, हम एंटरटेन होना है. सारा दिन हालत ख़राब होता है यहाँ पे, आधे लोग मतलब परेशान करते हैं यहाँ पर, हम एंटरटेन होते हैं. सो इट्स फाइन इफ यू शोइंग अस द सेम स्टोरी लाइन बट इफ यू गिविंग अस समथिंग न्यू. डायलॉग्स अच्छे थे इस बार, VFX बहुत अच्छी थी, जिस तरह से चश्मा घूमता है, इट वाज मोर कन्विंसिंग एंड रियल. और एक चीज़ बहुत ही कॉमन है कि आप देखिए साउथ मूवीज़ में क्या होता है, वो नॉर्थ के बंदों को लेके विलन बनाते हैं. और अभी हमने भी शुरू कर दिया कि हम साउथ के बंदों को लगे हम अपने विलन बनाते हैं. सो इट्स अ गुड गिव एंड टेक दैट बॉलीवुड एंड टॉलीवुड हैज. नहीं हो सकता, मतलब हो सकता था अच्छा, ज़्यादा उनके लिए कुछ करने को था ही नहीं. शेयर टू जस्ट बी प्रिटी क्यूट एंड इनोसेंट एंड बी अफेक्टेड बाय द विलन एंड लव द मेन कैरेक्टर. आई थिंक उसमें अगर उनको थोड़ा कुछ ज़्यादा दबाव दिया होता, लाइक शी इज़ फाइटिंग बैक, शी इज गिविंग सम लाइक डायलॉग्स की तुझ देख तू तेरे साथ क्या होगा, छोड़ दो मुझे कुछ नहीं. उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हम लोग कि वो जो एक होता ना कि फिल्म के बाद हम याद रखें. मैं तो भूल जाऊंगा फॉर श्योर. आई एम मांजरेकर जी का मैं फैन हूँ, बट आई एंड शुड नॉट टॉक अबाउट हर डॉटर लाइक दिस, बट शी इज़ अ परफॉर्मर फॉर मी राइट नाउ. सो आई विल टॉक द वे आई फील. सो आई थिंक इट वॉज नॉट इम्पैक्टफुल. सोनाक्षी वॉज बेटर. हाँ, लेकिन इस फिल्म में थोड़ी गलतियाँ थी. जैसे जब वो अपने उस सीन में जाते हैं जहाँ पे वो उस विलन के अड्डे पे जाते हैं, सो ही पंचेज द डोर. अगर आप देखेंगे ध्यान से तो डोर पे जो पंच है वो लेफ्ट हैंड का है, पर जब सीन कट के आता है तो इस पंचिंग फ्रॉम राइट हैंड. लाइक व्हाट द फक. तो ये थोड़ा जचा नहीं मेरे को. अरे यार ये ठीक है, रोहित शेट्टी की फिल्म देखते हैं, लेकिन इतने भी नहीं है कि अरे यार इस हाउ कैन सच गुड पीपल हु मेक फिल्म्स ये मिस कैसे कर सकते हैं. तो ये थोड़ा ऑड है. बाकी सब तो इट्स फैबुलस इन दिस फिल्म. मतलब आई थिंक दिस फिल्म कैन ईजिली क्रॉस 250 एंड इफ like things are fine, it can easily cross 300. Sir, 5 के ऊपर है, बता रहा हूँ मैं. लेकिन फिल्म आप सबके साथ बैठ के देख सकते हो, अपने बहन भाई मॉम डैड, क्योंकि इसमें सबके लिए सब कुछ है. माँ बेटे का रिश्ता दिखाया गया है, कैसे there's some fun. और इसमें सलमान खान का इनोसेंट पार्ट भी है कि कैसे वो चंपल दबंग पांडे बनने से पहले कैसे बड़े भोले से उनका वो जो राधे वाला जो इनोसेंट वाला जो हमेशा करते हैं वो थे. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड All in package. It's a very good dabang क्या बोलते हैं film. And I think जो आने वाली फिल्म है उसमें politician बनेगी. Hint दिया गया. I think so. Let's see. हाँ नहीं देखो सर, मैं नकल कर सकता हूँ पर मैं यहाँ गा नहीं सकता. Okay, thank you. Pleasure. Thank you. Thank you.
ओके सर, तो आपने दबंग 3 देखी तो कैसी लगी आपको? फुल धमाका एक्सपीरियंस है, बॉलीवुड देसी तड़का मूवी है, मजा आएगी देखने में। सलमान भाई की मूवी है तो मजा आएगी। ओके, सलमान खान की बात करें तो हमेशा वो अपने एंट्री के लिए जाना जाते हैं, तो इसमें ये मूवी में कैसी एंट्री लगी? धमाकेदार एंट्री, सलमान भाई को एंट्री में कोई बीट तो नहीं कर सकता है। चाहे एंट्री हो, चाहे कोई फाइट सीक्वेंस हो, चाहे लास्ट में जो उन्होंने बॉडी दिखाई अपनी वो, तो ये बात तो सबसे अच्छी लगी मेरे को सलमान की कि 50+ हो गई है एज, बस स्टिल उन्होंने बॉडी बहुत अच्छी मेंटेन की। ओके, अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट और सेकंड पार्ट से, तो बेटर है या एवरेज है? मेरे लिए पर्सनली तो दबंग 1 बेस्ट थी, क्योंकि वो दबंग टाइप की पहली पिक्चर थी, लेकिन 2 और 3 भी अच्छी है, 3 भी अच्छी है। ओके, डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कैसी लगी प्रभु देवा की आपको? डायरेक्शन बहुत ही अच्छी थी, मतलब सिनेमैटिक एक्सपीरियंस थे, स्लो मोशन शॉट्स थे बहुत सारे, बट थोड़ी सी लेंदी थी मूवी, थोड़ी शॉर्ट की जा सकती है, जैसे मूवी में 6 गाने थे तो फर्स्ट हाफ काफी लेंदी हो गया, उसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते। ओके, 5 आउट ऑफ कितना स्टार देना है? 3 and 3.5 स्टार। थैंक यू। ओके, पहले तो जानना चाहेंगे मैम, किस तरह चुलबुल पांडे ने आप सभी का स्वागत किया है थिएटर हॉल में? बहुत अच्छे से स्वागत हुआ है भाई, जैसे मैं किच्चा सुदीप के लिए सीटी नहीं बजा सकी, भाई के लिए भी नहीं बजा सकी, क्योंकि मुझे सीटी बजानी आती नहीं है, बट मेरे आगे कुछ लोग बैठे थे, वो लोग बड़े अच्छे से सीटियां बजा रहे थे, तो उसमें मैंने मजा ले लिया। मैंने 2 नहीं देखी है, मैंने 1 देखी है, एंड आई थिंक बिकॉज 1 वॉज द स्टार्ट, इट इज समथिंग विच वी हैड नॉट सीन, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली थोड़ी सी और ज़्यादा थी, बट द मूवी इज ओवरऑल गुड। पैसा वसूल, भाई को देखना इज ऑलवेज अ ट्रीट, एंड भाई के साथ फिर किचा सुदीप को भी देखने को मिला। साई वॉज अ वेरी ग्रेट सरप्राइज, शी इज रियली गुड, आई रियली लाइक्ड द वे यू नो हर डेब्यू हैज़ हैपेंड, शी इज़ वेरी प्रिटी, शी इज़ वेरी इमोटिव, मुझे उसकी और जो भाई की जो केमिस्ट्री है, यू नो इट एक्चुअली इट्स लाइक अ न्यू रोमांस जब होता है, तो वो जो सॉफ्टनेस जो होती है, वो रोमांस जो होती है, दैट शी हैज़ शोन वेरी वेल, यू नो। सो ऑफकोर्स भाई इज़ अ सीजनड एक्टर, भाई कैन शो इट, but for her being a debut, I think she's done really well. So yeah. So whose chemistry was the best, like Sonakshi Salman or Sai Salman? But Sonakshi Salman is something which we have seen, Sai Salman is something which we have not seen. Yeah. So the newness जो था उसमें, और वो जो like you know क्या होता है, वो पहले प्यार का वो जो ये होता है ना, जो एहसास जो होता है, वो जो उन्होंने जो दिलाया है, वो of course being so much older, मुझे भी थोड़ा दिल में कुछ हुआ। किचा सुदीप इज टू गुड, अ बिग बोनस गॉट टू सी प्रभु देवा के साथ, मुझे भी मन करा मैं जाके डांस करूँ थोड़ा। सो ही वाज अ वेरी नाइस सरप्राइज फॉर मी। ओके, दबंग इज ऑल अबाउट एक्शन एंड रोमांस, तो सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद है, रोमांस और एक्शन? रोमांस, रोमांस, रोमांस विद साई। कि फुल ऑन एंटरटेनमेंट था कि कहीं ना कहीं बोर हुए हैं थोड़ा? स्लाइट पोस्ट इंटरवल, बट फुल ऑन एंटरटेनमेंट। पैसा वसूल, आई डोंट रिग्रेट कमिंग एंड वॉचिंग द मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो, सवेरे जल्दी उठ के आ गए। ओके, बन्नी बदनाम तो ऑलरेडी सुपर डुपर हिट है, मुन्ना बदनाम कितना छा गए हैं आजकल? हाँ, ही इज डन इट वेरी वेल, बहुत अच्छे से किया है भाई। इवन द प्रभुदेवा इज इन द सॉन्ग, दैट्स द आइसिंग ऑन टॉप ऑफ द क्रीम केक, नहीं? क्या आउट ऑफ 5 हाउ मच यू वांट टू गिव? ऑनेस्टली स्टोरी की वजह से मैं 3 बोलूंगी, अदरवाइज द मूवी इज रियली वेरी गुड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, तो आपने अभी दबंग 3 देखी तो कैसी लगी आपको? हाँ, मुझे ठीक लगी भाई मूवी, ये मूवी, बट ये कि थोड़ा सा मूवी थोड़ी बड़ी है, लेंथ बढ़ा दिया, फिर भी ठीक है, मतलब बहुत अच्छी लगी मुझे मूवी। ओके, एक्शन की बात करें तो कैसी लगी एक्शन सलमान की और जो सुदीप भी है इस पे, एक्शन कैसी लगी आपको? देखो, एक्शन तो उनके एक्शन सारे ही अच्छे हैं, बट सबसे बड़ी बात होती है उनकी एंट्री का, क्योंकि लोग सबसे बड़ी चीज़ क्या करते हैं, उनकी एंट्री हो गई तो समझ लो पिक्चर का सारी की सारी चीज़ एंड हो गई। तो उनकी जो आपके जो पहली वाली में एंट्री थी, सेकंड वाली एंट्री थी, उससे कहीं ज़्यादा हटके एंट्रीज में ली गई है। बस इतना कहूँगा, जैसे हम कहावत कहते हैं ना, हमें जिन मिल गया, जो अलादीन का चिराग होता था कि चिराग मिला सर, कैसे घिसो जिन निकलेगा, बस इसे हम लोग के पब्लिक अगर देखेगी तो चिराग मिलता है, उसको घिसा जाता तो जिन निकलता। अब जिन कौन होता है, तुम खुद गेस कर लेना। ओके, डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कैसे लगे प्रभु देवा की? भाई डायरेक्शन प्रभु देवा काफ़ी टाइम बाद आए, देखो उनकी तो डायरेक्शन की बात अगर देखी जाए तो उन्होंने फिल्मों का रीमेक ही किया, जैसे वॉन्टेड सलमान भाई की पहली वॉन्टेड की थी, तो जाहिर बात उनका धमाल करते सर, रावड़ी राठौर और भी मूवीज़ की थी, सारी फिल्में हिट रहती हैं। अब ये भी उन्होंने की है तो अलग ही परफॉर्मेंस दिया है पिक्चर को अंदर, पहली और दूसरी दबंग से अलग ही थोड़ा इनको चेंज कर दिया डायरेक्शन में, और प्रभु ने बनाई है तो प्रसाद यार बटेगा ही सबको, और बट ही रहा है, देखो पूरे दिन में मालूम पड़ जाएगा, पहले ही रिव्यू कंफर्म कर देगा कि अभी पिक्चर का क्या परफॉर्मेंस है। ओके, 5 आउट ऑफ कितना स्टार देना? मैं 5 में से 4 दूंगा। थैंक यू।